एक और नई चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहे हैं वर्डप्रेस में, इट्स कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी। आपने कभी सुना है ये वर्ड मीडिया एंड लाइब्रेरी? आपके शायद फ़ोन्स में इस तरह की एक फीचर अवेलेबल हो, लेकिन इससे पहले कि हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, वी वॉन्ट टू डू अ रीकैप ऑफ वट यू हैव लर्न सो फार। यू हैव बीन वेरी गुड ट्रेनीज एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर मेकिंग इट सो फार एंड बींग अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन दैट जो डी जी स्किल्स ने पाकिस्तान में क्रिएट की। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप एक दिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकेंगे या एक कामयाब स्मार्ट वर्कर बन सकेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आपने सीखी हैं? यू हैव लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, यू हैव लर्न हाउ टू एक्सेस द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, यू हैव लर्न हाउ टू एक्सेस द वर्डप्रेस टूल बार। और टूल बार एग्जैक्टली होता क्या है? आपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करना सीखा है और आगे भी हम आपको और नए नए प्लगइन्स से मुतारिफ कराएंगे। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट थीम्स, कैसे आप अपनी वर्डप्रेस की पूरी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेंट, एंड दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक वर्डप्रेस। आपने पोस्ट और पेजेस के फ़र्क को समझा, आपने पोस्ट रिविजन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, उसको देखा कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर एक बिल्ट इन टाइम मशीन है जो आपको कॉन्टेंट में को कंपेयर करने में और कॉन्टेंट में वापस टाइम में ले जाने में हेल्प करता है। आपने टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना सीखा, आपने कॉन्टेंट को ऐड करना सीखा। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न, दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ वर्डप्रेस रियली वर्क्स। बट नाउ कमिंग बैक टू दिस न्यू फीचर दैट वी आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस टू यू, इट्स कॉल्ड द मीडिया लाइब्रेरी। सो वट इज द मीडिया लाइब्रेरी? आपने ये टर्म जिस तरह मैं बता रहा था, हो सकता है कभी देखी हो, आपके फोन्स पे एक मीडिया लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है आपके फोटोज़ की फॉर्म में। सो दैट्स वट अ मीडिया लाइब्रेरी इज़। अ मीडिया लाइब्रेरी इज़ अ फीचर ऑफ अ CMS, कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक ऐसी फीचर विच अलाउज यू टू स्टोर डिफरेंट फाइल्स, विच अलाउज यू टू स्टोर इमेजेस, विच अलाउज यू टू स्टोर वीडियोज़ ऑल एट वन प्लेस एंड मैनेज देम एंड अपलोड देम। एक जगह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वट अ मीडिया लाइब्रेरी इज़। आपके जहनों में एक क्वेश्चन आएगा कि मीडिया लाइब्रेरी आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और मीडिया लाइब्रेरी एग्जैक्टली है क्या? सो मीडिया लाइब्रेरी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द डैशबोर्ड। दो तरीके हैं मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करने के। एक कि आप डायरेक्टली लेफ्ट पे आपके पास एक जो साइड बार आ रहा है वहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी में जा सकते हैं एंड यू कैन एक्सेस ऑल द मीडिया लाइब्रेरी कॉन्टेंट फ्रॉम देयर। द अदर ऑप्शन इज कि यू कैन गो विद इन अ पोस्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑप्शन योर मीडिया लाइब्रेरी। सो ये आपके पास दो ऑप्शन हैं। इसके दो व्यूज होते हैं, एक होता है लिस्ट व्यू और एक होता है ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू क्या होता है? लिस्ट व्यू शोज यू फाइल्स इन अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट की फॉर्म में वो फाइल्स शो कराता है और आप उसको देख सकते हैं। दी अदर वन इज अ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू क्या करता है? ग्रिड व्यू आपको डिफरेंट फॉर्म्स में वो थंबनेल्स में पिक्चर्स दिखाता है एंड इट्स अप टू यू कि कौन सी फॉर्म आप एक्चुअली यूज़ करना चाह रहे हैं और कैसे आप उन फाइल्स को यूज़ करके मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या उनको एडिट करना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास दो व्यूज़ हैं, एक है लिस्ट व्यू जिसमें आपको फाइल्स लिस्ट में नज़र आएंगी, एक है आपको ग्रिड व्यू। ग्रिड क्या होती है? ग्रिड इज़ लाइक बॉक्सेस, बॉक्सेस के फॉर्म में आपको वो कॉन्टेंट नज़र आएगा, उस कॉन्टेंट को आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन जो दोनों व्यूज़ हैं वो आपको रिसेंटली अपलोडेड फाइल्स पहले दिखाते हैं एंड यू कैन ऑब्वियसली चेंज दैट एज वेल। लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि जो सबसे टॉप पे फाइल नज़र आ रही होगी या ग्रिड व्यू के केस में सबसे टॉप लेफ्ट पे जो फाइल नज़र आ रही होगी, दैट्स द मोस्ट रिसेंट फाइल दैट यू हैव अपलोडेड। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं और उन ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हुए यू कैन ऑब्वियसली चेंज हाउ यू वॉन्ट टू व्यू योर कॉन्टेंट। बट इन बाई डिफॉल्ट आपको जो सबसे रिसेंट कॉन्टेंट है वो सबसे टॉप पे नजर आ रहा होगा। लिस्ट के केस में वट यू विल बी एबल टू डू इज यू विल बी एबल टू सी द नेम,
you will be able to see a few functions like edit, like delete. साथ में किसने वो फाइल अपलोड की है. सो वर्डप्रेस का मैंने आपको जिस तरह बताया था, वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. वर्डप्रेस में और ख़ास तौर पे वो वर्डप्रेस वेबसाइट जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट यूज़र्स आर अपलोडिंग फाइल्स ऑन डिफरेंट टाइम्स. हो सकता है आप एक दिन अपने वर्डप्रेस को खोलें और आप कहें मैंने तो ये फाइल अपलोड ही नहीं की थी, ये फाइल कहाँ से आई है, और ये मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है. देन यू फाइंड आउट कि आपका एक दोस्त था या आपका एक कॉलीग था जिसको आपने एक्सेस दी हुई थी, दे हैव बीन एबल टू अपलोड दैट फाइल. ये आपको सिर्फ लिस्ट व्यू में नज़र आएगा, ये आपको ग्रिड व्यू में नहीं नज़र आएगा. लिस्ट व्यू अलाउज यू टू सी कि इस फाइल की एक्सटेंशन नेम क्या है, इस फाइल का ऑथर क्या है, और इस फाइल का नाम एग्जैक्टली क्या है, और जो एडिट के थोड़े बहुत लिंक्स हैं. साथ ही साथ ग्रिड व्यू में यू विल बी एबल टू सी थंबनेल. थंबनेल क्या होता है? इट्स लाइक एन इमेज. एक इमेज है जिससे आपको नज़र आएगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं. सो ये इमेज का वहाँ पे होना या देखना बहुत ज़रूरी है. कुछ फाइल केसेस में स्पेशल फाइल टाइप्स लाइक PDF, आपको ये थंबनेल या उसका एक इमेज नज़र नहीं आएगा, आपको एक सिर्फ आइकन नज़र आएगा विच विल डिफाइन. सो दीज आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट. एडिट से आप क्या कर सकते हैं? एडिट से यू कैन एडिट द फाइल, डिलीट परमानेंटली से यू विल बी एबल टू डिलीट द फाइल और इवन व्यू द फाइल. आपके जहन में एक क्वेश्चन शायद आए, और वो क्वेश्चन ये है कि आर ऑल फाइल टाइप्स सपोर्टेड इन मीडिया लाइब्रेरी? सो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस इज अ नो. हर तरह की फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन हर तरह का पॉपुलर फाइल टाइप आप अपलोड कर सकते हैं. इन आर नेक्स्ट लेसन विल टीच यू कि आप कौन कौन सी फाइल्स एक्चुअली वहां पे अपलोड कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा वो ये है कि हाउ वी कैन अपलोड अ फाइल दैट इज नॉट सपोर्टेड. वी विल टीच यू दैट एज वेल यूजिंग प्लगइन्स. प्लगइन्स आर व्हाट मेक्स वर्डप्रेस सो अमेजिंग. सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो होती है मीडिया लाइब्रेरी, और ये सिर्फ बैकएंड से एक्सेस आप कर सकते हैं. सो लेट्स गो टू द बैकएंड, लेट्स लॉग इन एज एडमिन एंड लेट्स सी के हाउ मीडिया लाइब्रेरी कैन रियली हेल्प अस. सो लेफ्ट पे जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे, लेफ्ट पे आपको एक मीडिया नामी एक बटन, एक आइकन नज़र आएगा. सो आप देख सकते हैं कि मीडिया के ऊपर एक आइकन बना हुआ है विच इज़ ऑफ अ म्यूज़िक एंड फोटो. आप वैसे तो मीडिया लाइब्रेरी हर पोस्ट या पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली अपनी मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, दिस इज़ दैट सेंट्रल रिपोजिटरी दैट इज़ कॉल्ड द मीडिया लाइब्रेरी. सो लेट्स क्लिक ऑन द मीडिया लाइब्रेरी एंड ट्राई टू ओपन इट एंड ट्राई टू सी कि यहाँ पे किस किस तरह का कॉन्टेंट हमें नज़र आ रहा है या कॉन्टेंट हमारे पास अवेलेबल है. सो जिस तरह मैंने बात की, यहाँ पे दो तरह के व्यूज़ हैं. यहाँ पे एक है ग्रिड व्यू और एक है लिस्ट व्यू. सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द ग्रिड व्यू फर्स्ट. ग्रिड व्यू क्या करता है कि आपको थंबनेल्स में आपकी फाइल्स दिखाता है और आपको बताता है कि ये फाइल कौन सी है, ये फाइल क्या कर रही है. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ग्रिड फाइल्स में क्या फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट फाइल. सो ग्रिड फाइल में आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एक उस पर क्लिक करूँ तो आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, बट वी विल एक्सप्लेन दैट टू यू लेटर. राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव अ सेंस ऑफ द थंबनेल्स. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फाइल्स हैं जो कि बिल्कुल सेम तरह की दिखती हैं. दैट्स व्हाट ग्रिड व्यू डज. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि दो फाइल्स अगर सेम तरह की भी हैं तो हाउ आर दे डिफरेंट. सो एक आपको नज़र आ रहा है MP3 फाइल है और एक फाइल जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, दैट्स एन इमेज फाइल. सो वर्डप्रेस के लिए सबसे पॉपुलर मीडिया टाइप इज इमेजेस. सो जब भी कोई इमेज डलता है तो वो आपको सिर्फ थंबनेल दिखाता है और उसकी फाइल टाइप का नहीं बताता. बाकी साथ साथ आप देख सकते हैं अगर कोई MP4 फाइल है विच इज़ अ वीडियो फाइल तो उसका एक डिफरेंट आइकन है. अगर कोई PDF है, अगर कोई SUF है, अकॉर्डिंगली यू विल सी डिफरेंट आइकन्स फॉर दोस. नाउ वी विल गो टू अनदर व्यू विच इज़ कॉल्ड अ लिस्ट व्यू. लिस्ट व्यू क्या करता है? लिस्ट व्यू शोज यू द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल. आपको वो उसका एग्जैक्ट नेम दिखाएगा, उसकी एग्जैक्ट एक्सटेंशन दिखाएगा. इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल इट्स pakistan.jpg. ये एक JPEG फाइल है जिसका नाम भी पाकिस्तान है. साथ साथ वो आपको दिखाएगा इसका ऑथर कौन है, कौन वो बंदा है जिसने ये फाइल अपलोड की.
यहाँ पे एडमिन वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आई एम दी एडमिन, मैंने अपलोड की थी ये फाइल. अगर किसी और यूज़र ने की होती तो वो मुझे दिखाता उस यूज़र का नाम. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर वर्डप्रेस हमें दिखाता है कि ये फाइल किस पर्टिकुलर पोस्ट से अटैच्ड है, विच इज़ दैट पर्टिकुलर पोस्ट जिससे ये फाइल अटैच है. और आपको डिटैच की भी ऑप्शन दे रहा है, डेट भी दिखा रहा है कितनी देर पहले वो फाइल अपलोड हुई थी. सो लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन डिटैच फ्रॉम दिस सियालकोट वाली पोस्ट. सो अब ये डिटैच हो गई है. अब हम जाके देखते हैं कि होम पेज पे जो सियालकोट वाली पोस्ट हमने की थी उस पर क्या हुआ है. सो द इमेज इज स्टिल देयर बिकॉज इट्स बिन अपलोडेड बट इट हैज़ बिन डिटैच्ड. So this is again a feature which WordPress gives you, how to attach and detach files. I can just click on attach again, dobara attach ho jayegi. So ye maine aapko dikhana tha media library kya hai, kis tarah se function karti hai. Aap grid view mein ja sakte hain, aap list view mein ja sakte hain, aap isme content dal sakte hain, hum content dal ke bhi thoda sa dekhenge. So this is what the media library is. It's an amazing प्लेटफॉर्म विद इन वर्डप्रेस जिससे आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने पास सर्च कर सकते हैं. और कुछ हमारे पास प्लगइन्स भी हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे. लाइक अगर आप मीडिया लाइब्रेरी को एनहांस करना चाह रहे हैं, वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट इन आर फर्दर लेसन. प्लीज़ इंटरेक्ट विद अस, इंटरेक्ट विद अदर ट्रेनीज, इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर्स, इंटरेक्ट विद दिस ब्यूटिफुल कम्युनिटी दैट डीजी स्किल्स प्रोवाइड यू. सो वी कैन हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल, वी कैन हेल्प यू बिकम प्रोग्रेसिव, and we can learn and grow together.